है अभी। तो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल। तो बात करते गए आज के गेम प्ले की। तो आज का गेम प्ले गाइस बड़ा ही इंटेंस होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर गाइस हम कर रहे हैं सोलो सर्वाइवल। बिकॉज यहाँ पर जो मेरा टीममेट था राजपूत गाइस, वो यहाँ पर स्टार्टिंग में मर जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर गाइस हम 4 दिन तक तो ईजिली सर्वाइव कर जाते, बट यहाँ पर फिफ्थ जोन बन चुका था और हम थे जोन के बाहर। तो यहाँ पर जोन के अंदर एक सोलो कंपाउंड था, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट पुश कर देता हूँ। बट यहाँ पर गाइस ऑलरेडी दो डुओ की फाइट चल रही थी, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर आता हूँ लाइक फर्स्ट फ्लोर पर और ट्राई करता हूँ इस ड्रो को मारने के लिए। बिकॉज गाइस यहाँ पर मुझे चाहिए थे किल्स और मुझे एक अच्छा पोजीशन भी चाहिए लाइक हाई ग्राउंड, जिससे यहाँ पर मैं किल्स निकाल सकूँ। तो फिलहाल के गाइस ये ड्रो यहाँ पर टेरेस पे आराम से कैंप कर रहा था, तो यहाँ पर मैं इन पे थोड़े से नेड्स वगैरह ट्राई करता हूँ ताकि डैमेज या फिर एक आधा नॉक निकाल सकूँ और फिर इन पे पुश करके इन्हें वाइपआउट कर सकूँ। बट यहाँ पर गाइस मेरा पहला नेड तो मिस हो जाता है, तो यहाँ पर मैं एक दो और नेड करता हूँ ताकि नॉक निकल सके। अब यहाँ पर गाइस मैं ट्राई तो बहुत करता हूँ, बट नेड के थ्रू तो कोई होता नहीं नॉक। बट इतने में गाइस यहाँ पर इसका एक पार्टनर अभी जस्ट हमारे मॉड डालते ही हम पे पुश कर देगा। और यहाँ पर गाइस इसे मैंने इजीली नॉक दे दिया, तो अब गाइस टाइम बनता है इन पे पुश करने का। और यहाँ पर गाइस इस ड्रो को हम इजिली मार देंगे। अब इसे मारे गाइस यहाँ पर मुझे 0% भी डैमेज नहीं पड़ा, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इनकी कैसे थोड़ी सी लूट वगैरह कर लेता हूँ। अब गाइस हमारे कंपाउंड के चारों तरफ बहुत सारे व्हीकल यहाँ पर रोटेशन मार रही थी, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ट्राई करते रोटेशन में किल्स निकालने का। और अगर आपको ये वाला स्प्रे अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब गाइस इसे मारने से पहले यहाँ पर मैंने एक बंदे को नॉक दिया था, और यहाँ पर जो इसका टीममेट था गाइस वो यहाँ पर राइट साइड में जो हमारे सोलो कंपाउंड है उसमें जा चुका था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ उस बंदे का, इस बंदे को रिवाइव देने का। और यहाँ पर गाइस इसने स्मोक वगैरह कर दिया था अपने पार्टनर को रिवाइव देने के लिए, तो बस मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ इस बंदे के ओपन में आने का। और जैसे कि ये बंदा अपने पार्टनर को रिवाइव देने के लिए सामने वाले कंपाउंड के बाहर आता है, तो यहाँ पर मैं एक आधा नेट ट्राई करता हूँ। और यहाँ पर गए सामान एकदम परफेक्ट था, बट यहाँ पर गए जो बंदा नॉक था वो यहाँ पर फिनिश हो जाता है, और जो उसका टीममेट गए वो फिलहाल के लिए बच जाता है। और इतने में गए यहाँ पर नेक्स्ट जोन भी कट चुका था जो हमसे था 130 मीटर दूर, तो यहाँ पर गए मुझे जोन भी जाना था। तो यहाँ पर मैं इस बंदे से फाइट बिल्कुल नहीं लेता, बिकॉज गए इस टाइम पर फाइट करूंगा तो ऑब्वियसली जोन से ही मारा जाऊंगा। तो यहाँ से मैं अपनी व्हीकल लेता हूँ और सीधा जोन के लिए निकलता हूँ। और गाइस यहाँ पर मैं जिस तरह से जोन पकड़ने वाला हूँ ना, तो बस अभी आप देखो। अब यहाँ पर गाइस इन दोनों को थर्ड पार्टी करके हमने इजली मार दिया, बट जो जोन तक गाइस वो हमसे 30 मीटर दूर था जो हमारे क्लोज में था। तो यहाँ पर मैं एक हदा स्मोक करता हूँ, बट इतने में गाइस हमारे राइट साइड में यहाँ पर एक बंदा आता है बग्गी लेके, और यहाँ पर गाइस इस बंदे को भी हम एकदम इजिली मार देंगे। और यहाँ पर गाइस हमें मिल चुका था जोन में एक अच्छा पोजीशन, बट फिलहाल की गाइस यहाँ पर मैं सोचता हूँ क्यों ना मैं बगी के पीछे जाके रखूँ ताकि मुझे एक अच्छा सा कवर मिल जाए। बट गाइस जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और अपने आप को थोड़ा सा हील वगैरह करने का ट्राई करता हूँ कि तुम गाइस सामने वाले कंपाउंड से यहाँ पर हम पर आते हैं M4 के सिंगल टैप्स, और यहाँ पर गाइस मुझे अच्छा खासा डैमेज पड़ चुका था। तो मैं फटाक से बगी में बैठता हूँ और यहाँ से राइट साइड से थोड़ा सा जोन में एक अच्छे पोजीशन के लिए निकलता हूँ। बट यहाँ पर गाइस पूरा ग्राउंड ओपन था, तो यहाँ पर मैं ओपन में रुक जाता हूँ और शील्ड के थ्रू कवर बनाता हूँ, और फिलहाल के लिए यहीं पर होल्ड करता हूँ और वेट करता हूँ जोन के एच से निकलने का।
पर गाइस जो हमारे सामने एनिमीज थे वो यहाँ पर मेरी शील्ड जो फर्स्ट शील्ड है उसे तो ब्रेक कर देते, बट यहाँ पर वो सेकंड और थर्ड शील्ड को ब्रेक नहीं कर पाते बिकॉज गाइस उनके पास आई थिंक कम एमो होगी। और यहाँ पर गाइस इन पे मैं थोड़ा सा स्प्रे वगैरह भी लेता हूँ ताकि ये हम पे थोड़ा सा कम स्प्रे ले और मेरी जो शील्ड है इसे भी ब्रेक ना कर सके। और यहाँ पर मैं इनके सामने एक हद स्मोक कर देता ताकि इनका एंगल ब्लॉक कर सकूँ और बस वेट करता हूँ जोन के एच से निकलने का। अब यहाँ पर गाइस जोन को शट होने में 30 सेकंड थे बट यहाँ पर गाइस मेरे पास कोई व्हीकल नहीं थी और यहाँ पर मुझे जोन में ओपन रोटेशन मारना था और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ट्री का कवर था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्का सा स्मोक वगैरह के थ्रू आगे आता हूँ ताकि गाइस मुझे जोन में एंड में ज़्यादा रोटेशन ना मारना सके और मैं पहले ही जोन में पहुँच जाऊँ। तो गाइस अभी आप देखो लाइक मैं किस तरह से जोन में एंटर करने वाला हूँ। और गाइस हमारी इस बीच में एक डुओ से फाइट भी होगी तो हम किस तरह से वो फाइट जीतेंगे और जोन में एक अच्छा पोजिशन होल्ड करेंगे तो बस अभी आप देखो। अब गाइस जैसे मैं यहाँ पर एक नॉक निकालता हूँ तो यहाँ पर गाइस जोन भी स्टार्ट हो चुका था। तो मैं जैसे सोचता हूँ क्यों ना इसके सेकंड पार्टनर पे पुश कर दूँ पर इतने में पीछे से कोई और डुओ इसे निपटा देगा। और अब यहाँ पर गाइस एक लास्ट डुओ बचा था जो फिलहाल के लिए हमारे जस्ट सामने कंपाउंड पे था और यहाँ पर गाइस उनसे हमारी 1v2 फाइट थी। तो क्या लगता है गाइस आपको कौन जीतने वाला है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस गाइस आज वीडियो में इतना ही, आप वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। तो मिलते गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय, टेक केयर।